नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका इजी पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी इजी पे की IRCTC एजेंट आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं, आपको 30 मिनट से 24 घंटे के अंदर आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपके आईडी पासवर्ड प्राप्त होते हैं। साथ में आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक्टिवेशन कोड प्राप्त होता है। इस एक्टिवेशन कोड की जरूरत आपको जब आप आईडी एक्टिवेट करेंगे तब पड़ेगी, तो इसको आप संभाल कर रखिए। चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, बताते हैं आपको आगे का प्रोसेस। पहले आपको अपना जीमेल लॉगिन करना है, जिस जीमेल आईडी पे आपका IRCTC का आईडी पासवर्ड आया है। उसके बाद आप मेल पर क्लिक करेंगे, जो आपके पास मेल आया है उसमें आपको आईडी और पासवर्ड शो करेगा, और एक आपको ये फोर्थ लाइन शो करेगी, टू एक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक हियर। आप इस क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ एक्टिवेशन कोड डालेंगे जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। वो कोड फिल करके आप एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद ये लिंक शो करेगी, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका IRCTC का आईडी पासवर्ड आप फिल करेंगे मेल से, जो आपके मेल पे आया था वही पासवर्ड और आईडी। कैप्चा फिल करने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल फॉर सब एजेंट, आधार बेस KYC का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे। आधार बेस KYC पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर, अपना आधार कार्ड पे जो आपके नेम है वो फिल करना होगा। जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे OTP जाएगा। वो OTP आप फिल करके वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे शो कर जाएगा KYC अपडेट इज सक्सेसफुल। उसके बाद आपको ये पैनल लॉग आउट करके दूसरा लॉग इन करना है। दूसरी टैब ओपन करके वहाँ IRCTC सर्च करना है। जैसे ही आप वहाँ IRCTC सर्च करेंगे, आपके पास लॉग इन हो जाएगा IRCTC का वेब पोर्टल। वहाँ पे एजेंट लॉगिन का ऑप्शन होगा, वो एजेंट लॉगिन पे क्लिक करके दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एजेंट लॉगिन विद OTP और DC लॉगिन। तो आपको एजेंट लॉगिन विद OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आपका आईडी पासवर्ड फिल करने का, जो कि आपका IRCTC का आईडी पासवर्ड आया है वो आपको फिल करना होगा। साइन इन पर क्लिक करना होगा। जब आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर OTP आएगा, वो OTP फिल करके सबमिट कर देंगे, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी और आपको अपना नेम शो कर जाएगा। उसके बाद आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था IRCTC आईडी को एक्टिवेट करना। इससे पहले ही हम आपको IRCTC आईडी अप्लाई कैसे करना है, अगर आपकी मेल आईडी या आपका मोबाइल नंबर IRCTC में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको कैसे चेंज करना है, इन वीडियोस के लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।